साथ संगत जी, आइए सर्वप्रथम हम सभी हरिराया सतगुरु जी के पावन श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़ अनंत अमृत बल से भरी यह हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए शरण तेरी आए।
आइए संगतों, हम सभी अपने हरिराया सद्गुरु की ओट में सत्संग के पावन वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। आप सभी से अनुरोध है कि सत्संग के समय अन्य सभी दुनियावी कार्यों से विराम लेकर एक चित्त होकर बैठें, जिससे सत्संग का भरपूर लाभ आप हम सभी प्राप्त कर सके जी। भजन सिमरन के भंडारी दाता हाजरा हुजूर सदगुरु साहिबान जी के पावन श्री चरणों में बैठी परम सौभाग्यशाली सात संगत जियों, दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए हरे माधव हरे माधव हरे माधव। वाणी संत सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी। पूरे गुरु ने बणत बनाई जित मिले ना जब हमने नाम ध्याया। पूरे गुरु की शोभा निराली रंग में रंगाया। हरी राया सतगुरु सच्चे पातशाह जी के रसीले चरण कमलों में बैठ दर्शन दीदार करती हुई आप सारी संगतों को हरे माधव हरे माधव हरे माधव। हरी सतगुरु के चरण कमलों में यही चाह आस है, प्रेम कबूल हो, पूरा समर्पण हो। ऐसे सच्चे पुरनूर साहब की बंदगी से हर एक शिष्य का दिल परम रोशनी के ज्ञान से भर जाए। दिल की गलियों में बेहद प्यार भरे आत्म सच्चे सदगुरु के वचनों सिमरन बंदगी में हर पल भीगी रहे। हम खादिमों गुलामों का सत वचनों में अमल इस कदर हो कि रोशनी से बड़ा दिन हो या अंधेरी रात, हमारा भरोसा और श्रद्धा सतगुरु के वचनों पर बना रहे। मेहर करें, दया करें। आइए साथ संगतो सत्संग के गहबी फरमान वाणी वचनों ऊंचे संदेशों को एक चित्त हो श्रवण करें। सतगुरु प्यारे की जो अलस्ती खुमारी है जिससे कि वे हम दुनियादारी जीवों को सच खंड हरे माधव प्रभु जीओ के देश में जाने की सोझी बख्शते हैं, उसे कमाएं। पूरन सतगुरु एको परमेश्वरी सर्वव्यापक की बादशाहत के शाहूकार जाननहार हैं, जिसकी महिमा ऊंच से ऊंची है। असल में भारी भजन सिमरन की कमाई वाले सच्चे पूरे सतगुरु को पहचानना, ऐसी सर्वोच्च सत्ता को समझना हमारी तुच्छ सी बुद्धि मन इंद्रियों के स्तर के द्वारा संभव नहीं। ऐसी सच्ची सत्ता के खेलों को समझना बहुत ही मुश्किल या यूं कहें कि नामुमकिन है, क्योंकि वे अदृश्य ताकत पार ब्रह्म कुल मालिक के साथ एकमत अभेदी हो चुके हैं। वे पार ब्रह्म की करतारी कलाओं को धारण कर उस साहिबे साहिब के आदेश से इंसानी चोले को ओढ़कर आते हैं।
हरि राया सतगुरु इस धरा पर समस्त जीव पशु पक्षी किन्नर गंधर्व एवं अधिकारी रूहों का उद्धार कर उन्हें इस काबिल बना देते हैं कि वे अपनी अमृतानंद और आत्म मालिक में अभेदी हो सके। जो इंसान सतगुरु के मधुर वचनों ऊंची समझाइशों पर अमल करते हैं वे उन्हें अपनी भजन सिमरन की भारी कमाई के अकत बल सामर्थ्य से शब्द नाम मंत्र के जरिए हरि साहिब में एकाकार कर देते हैं। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु की महिमा वडियाई भारी से भारी है। कभी कभी वे अपनी आत्म मौज से अधिकारी रूहों को हजारों लाखों संगतों के बीच में बैठी रूहों को अदृश्य रूप से नूर की निगाह के द्वारा आत्म को अमृतदायक बंदगी अमृत रस की ताकत से नवाज देते हैं। पर याद रखें संगतों, यह सब उनकी परम खुमार परम मौज और जीव की पात्रता पर निर्भर है। हरि राया सतगुरु सच्चा जानकार हाकिम है। वह जीवों को अपनी संगति शाओं में बिठाकर अपने वचनों के द्वारा अमृत शब्द के द्वारा उनके विवेक को जगाता है। अमर जीवन के बाग का मालिक है। ऐ शिष्य, इस दुनिया में कच्चे गुरुओं की तादाद भारी है। कितने ही लुभावनी माया के तंदों में जीव की रूह फंसी रहती है, परंतु भजन सिमरन के भंडारी पुरुष जो मालिक प्रभु में अभेदी हैं, वे ही सार अर्थों में पूरे सतगुरु हरि राया सतगुरु हैं, जो तीनों गुणों से परे और गह भी एकस में मिल चुके हैं। जब वे इस जगत में प्रकट होते हैं तो ऐ शिष्य, तुम उनकी शरण संगति में बैठ मालिक की बंदगी की चाह रखो, क्योंकि वह तुम्हारे अंदर उस ताकत को जगा देता है जिससे तुम जन्मों की भटकन से दूर हो स्थिर शांति को पा सकोगे। हम नामुराद जीवों के विचार तुच्छ हैं। मन बुद्धि की गणित से हम हरि राया सतगुरु की सामर्थ्यता का जितना भी अनुमान लगाएं, वह पहुंच से परे ही परे है। ऐसी रूहानी कदावर ताकतवर हस्तियां पूरे सतगुरु खुद ही अपने राज भिन्न भिन्न युक्तियों मनोहरमय लीलाओं से खोलते हैं, इशारा एवं संकेत देते रहते हैं। अपने परम गहन रस से भरी वाणियों वचनों द्वारा चहुवर्णों की रूहों का उद्धार करते हैं। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु जीव आत्म को शब्द नाम बख्श कर उस मंत्र नाम को किस तरह मत मत कर जपना है, किस तरह ध्यान अभ्यास करना है, यह सारी युक्ति खोल खोल कर समझाते हैं। पूरे गुरु ने बणत बनाई जित मिल नाम धियाई, पूरा गुरु पूरा मिलिया जब हमने नाम धियाया। पूरे गुरु सतगुरु अपनी भारी भजन कमाई से हमें भी भजन बल देते हैं जिससे कि हमारी रूह ऊपर उठे, सुखों दुखों तनाव चिंताओं खुशी और गमों वाले पल पल बदलते द्वैत संसार से ऊपर अद्वैत अवस्था में पहुंचे। इस वास्ते मराठी में फरमान आया, परमेश्वर सतगुरांच्या नाम स्मरणात असीम शक्ति आहे, ही शक्ति सदैव शिष्याच्या भल्यासाठी कार्य करते। जे प्रिय भक्त पूर्ण विश्वास व प्रेमाने नित्य स्मरण करतात त्यांचे कधी ही अहित होत नाही, त्यांचे कधी ही अहित होत नाही। साथ संगत जी, हम जीव अगर आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, अगर आंखें खोलते हैं तो भ्रम भय व अवज्ञा अज्ञान का अंधेरा चहुं ओर छाया रहता है। इस कारण हमें सत्य असत्य प्रतीत होता है
और असत्य सत्य प्रतीत होता है। कई बार हम सत्य को अंदर ही अंदर समझते महसूस करते हैं, लेकिन असत्य का जोर, असत्य का ज्ञान हमारी सत्य की तस्वीर को छिपा देता है, दबा देता है। फिर घोर अज्ञान के अंधकार में पड़े रहने के कारण हम जीव जैसा भी कर्म करते हैं वह हथकड़ी की तरह रूह के बंधन का कारण बनता है। पूरे सतगुरु कौन है जो हमारे अज्ञान अंधकार भ्रम को तोड़े और ऐसी शक्ति हमें दे जिससे कि आंखें बंद हो तो रोशनी और खुली हो तो भी रोशनी दिखे। उस ऊंची हस्ती का नाम है पूरा गुरु, हरिराया सतगुरु। हरिराया सतगुरु सत्य का प्रकाश देता है और माया के घने अंधेरे से निकाल सार परम सत्य में मिला लेता है। फिर आत्मा पूरे गुरु द्वारा बताई बंदगी सिमरन कर जाग उठती है और मुक्त होने का फक्र हासिल करती है। पूरे सतगुरु की दुनिया नूर से भरी है और जब शिष्य चरण कमलों से जुड़ता है तो सतगुरु से अनंत प्रकाश में हरे माधव लोक अर्थात निज घर में जाने के लिए शौक बढ़वाता है, साथ संगत में भरोसा पुख्ता करवाता है। तब तुम ऐ शिष्य गुरुमुख बनने के योग्य होते हो। पूरे गुरु की शोभा निराली, पूरे गुरु ने रंग में रंगाया। परमार्थी जिज्ञासुओं को पूरे सतगुरु का परमार्थी वातावरण बखूबी रास आता है। एक बात यहाँ कहना उचित है कि पूरे सतगुरु की शरण में सच्ची भक्तिवान रूहों के लिए आनंद खुशी का आलम है, सेवकों के लिए बड़ी आनंददायक बगिया है। श्री रामचरितमानस में भी आया, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोहतम पुंज जास बचन रब कर निकर, जे गुरु चरण रेन सिर धरही तेजन सकल विभव बस करही। गोस्वामी जी कहते हैं, प्यारे सतगुरु देव के ज्योतिर्मय स्वरूप की मैं स्तुति करता हूँ, जो कि आनंद प्रेम अति सुंदर रुचिकर सच्चे प्रेम के रस से भरपूर है। पूरन सतगुरु देव अमर जीवन प्रदान करने वाला, तीनों रोगों को नाश कर अमरता का प्रसाद देने वाला श्री स्वरूप है। इस स्वरूप की पुण्य स्वरूप चरण धूलि शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति के सम है। यह उत्तम कल्याण महा आनंद की जननी है। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने फरमाया, ए रब के अंश, पूरे सतगुरु देव के पास आकर तुम सच्चा लाभ तभी पा सकते हो जब तुम अंदर से खाली हो, जब तुम्हारा पात्र उनकी रहमत से भरने योग्य हो। ए शिष्य, यदि तुम समझते हो कि तुम समझदार हो, सयाने हो, तो पूरे हरिराया सतगुरु के पास आने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि तुमने अभी तक अपने को ही अपना गुरु बना लिया है। शिष्य बनने की राह पर तुम नहीं चले हो, इसलिए अभी तुम कुछ और तकलीफ झेलो, कुछ भ्रम व्यर्थ के संदेह कर कर अपने अंदर पीड़ा को दर्द को संग्रह करो, तुम अपने मानसिक संताप और बढ़ाओ। ए मुरीद, जिस दिन तुम अपने आप से परेशान हो जाओ, द्रवित हो जाओ, हार जाओ, बस उस दिन पूरन सतगुरु के पास संगति में आ जाना, तब तुम्हें पूरे सतगुरु का सहारा अनुभव होगा। किस तरह वे तुझे अंतर हाथ देकर संभाल रहे हैं, तेरे दुख में तेरे साथ खड़े हैं, तुझे समझ आएगा। फिर तुझे समझ आएगा कि वास्तव में सारे संसार में एक सतगुरु देव के सिवा अपना तो कोई है ही नहीं। एक सतगुरु देव के सिवा सच्चा मीत, हम दर्द, हम रात तो कोई है ही नहीं। प्यारो,
सतगुरु शरण में कच्चे भाव लेकर आने से कोई सार नहीं। अब लोग पूरे सतगुरु के पास चले तो आते हैं, लेकिन अंदर से तैयार नहीं होते। बाहर से सेवा सत्संग से जुड़े रहते, पर अंतर घट में प्रेमी नहीं, श्रद्धाई नहीं। फिर कहते हैं कि हम लंबे समय से रह रहे, हमें क्या मिला। ऐसे जीव अपने ऊपर ही भरोसा करते हैं, कहते हैं कि जो सतगुरु कहेंगे उसमें सोचेंगे, क्या सही है क्या गलत उससे वे चुनेंगे, जो जचेगा वह मानेंगे, जो नहीं जचेगा वह नहीं मानेंगे। इसका अर्थ साफ है कि वे अपने मन की ही मान रहे हैं। ऐ मुरीद, कहां और कैसी है उनमें तुम्हारी श्रद्धा, इसे प्रेम समर्पण मत कहना। ऐ शिष्य, तुमने तो कुछ भी छोड़ा ही नहीं, फिर बलिहार भाव कैसे आए। पूरन सतगुरु के पास आना है, सच्चा लाभ कमाना है, तो तुम अपनी मैं को छोड़कर जाना। फिर तुम्हें यह भान होगा कि जो प्यारे सतगुरु कह रहे हैं वही सही है। तब फिर निर्णय करने को कहां कुछ बचा। तभी ऐ शिष्य, तुम उनकी संगति में भीग कर सीखने जगने की राह पर चल सकोगे, और तभी तुम सच्चे सेवक सच्चे भगत हो पाओगे। हुजूर साहबान जी रब्बी वाणी वचनों में फरमाते हैं, जिन निह लागा पूरे गुरु चरणों से, ते कहां अधूरे होते हैं। जिन सुरत राची शब्द माची, अलक प्रकाशा अंतर उपजे। अनूप रूप स्वरूप सदा एक लिव लागह, दास ईश्वर दाते, दात सतगुरु पूरे की। दास ईश्वर दाते, दात सतगुरु पूरे की। जिन कृपा हर भक्ति दीनो, सकल संताप हर लीनो, सकल संताप हर लीनो। जिन्हें निह प्रेम लग गया हरि राया सतगुरु से, वे सच्चा लाभ पा लेते हैं। पूरे सतगुरु की संगति से जुड़ वे भी धीरे धीरे पूर्णता को पा लेते हैं। उनका अंतर सदा प्रकाशमान होता है। ऐसे शिष्य अपने मन में सदा निर्मलता बनाए रखने का प्रयास करते हैं, उसमें कोई विकार या मलिनता नहीं आने देते। वह सदा सत्कर्म करते हैं अकर्ता एवं निष्काम भाव से। पूरन हरि राया सतगुरु की वडियाई और गहरी करणी को सत्संग वाणी में यूं समझाया गया। जी आगे, पूरा गुरु पूरी मुक्ति देवे, साच नाद पूरे गुरु ने सुनाया। पूरे गुरु की दास ईश्वर धूलि मांगे, पूरा गुरु अनहद सुनाया। वह हरे माधव आपे आप अनामा, पूरा गुरु आत्म रूप जगाया। गुरु की प्यारी संगतो, आज की निर्मल रब्बी वाणी में पूरे गुरु भजन सिमरन की कमाई वाले पूरन सतगुरु पर बेहद बल दिया गया है।
आखिर क्यों? क्योंकि सार खुलासा वाणी में आया कि पूरा गुरु ही पूरी मुक्ति बख्शता है। पूरा गुरु पूरी मुक्ति देवे, साच नाद पूरे गुरु ने सुनाया। पूरे गुरु की दास ईश्वर धूली मांगे, पूरा गुरु ही अनहद सुनाया। वह हरि माधव आपे आप अनामा, पूरा गुरु आत्म रूप जगाया। पूरा गुरु आत्म रूप जगाया। पूरे सतगुरु स्वभाव से स्नेहशील दयावान है, करुणावान है। उनका चित विराट का चित है, उनका आत्म मन और रोम रोम निर्मल से निर्मल अथाह अनंत में रमा रहता है। ऐसी पावन संगति में आकर शिष्यों को अनंत अमृत ठंडक का अनुभव सहज प्राप्त होता है। पूरे गुरु सतगुरु का हृदय सुकुमार हृदय होता है। वे परिपूर्ण दया के पुंज हर पल स्नेह करुणा का जल शिष्यों पर बरसाते हैं। वे राग द्वेष निंदा स्तुति सुख दुख मित्र शत्रु के द्वंद जालों में नहीं फंसते। पूरे सतगुरु शिष्यों के मन से अज्ञान अभाव को हटाने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए स्वांग रचकर निर्भय होकर करुणा लीलाएं करते हैं। वे मन माया के कर्म बंधनों से सर्वदा मुक्त होते हैं और हम सबके बीच में अजन्मे सुख का उपदेश खुलकर बांटते हैं। पूरे गुरु सतगुरु की रूहानी मुस्कान से हृदय का बंद रूहानी कमल खिल उठता है। ये नम्रता के संपूर्ण श्रृंगार होते हैं। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि प्रत्यक्ष सतगुरु को निराकार ब्रह्म यानी समदृष्टता जानू। वह समस्त मानव जाति को मार्गदर्शन देने आता है, जीवात्माओं के उद्धार हेतु आता है। उसकी मौजूदगी में और भी अनेकानेक कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। हरि राया सतगुरु शिष्यों के अशुभ विचारों को भी शुभ मंगलमय बना देते हैं। अगर कोई उनसे बैर भी रखे तो करुणारूप सतगुरु भलाई के करुणा के बहाने ढूंढते हैं। ऐसे न्यारे हरि राया सतगुरु अमृत रस के शाहूकार होते हैं। उनकी वाणी में मिश्री सी मिठास होती है और वे स्नेह भरी नूरानी दृष्टि को बरसाने वाले कमाल के मंगलकारी जादूगर होते हैं। इनका दिल मक्खन के समान बड़ा नरम दिल होता है। प्यारे सतगुरु उपकार पर उपकार करते हैं और चमत्कार आपे आप होने लगते हैं। इनकी शरण में आकर इनकी जीवन महिमाओं लीलाओं रहमतों को सुनने में बड़ा न्यारापन निर्मलपन ज्ञान सुख मिलता है, भक्ति का रस मिलता है। पूरन सतगुरुओं ने मन माया पर दुई पर विजय श्री हासिल की होती है। वे बेशुमार जीवों को ऐसे दलदल से निकालने का न्यारापन चमत्कारिक पूर्ण उदम हर पल करते दिखते हैं। यह बात कहना मुनासिब होगा कि कमाई वाले पूरे गुरु मन मायावी विचारों के प्रतिपक्ष प्रतिद्वंदी होते हैं और जन आत्म परोपकारी कार्य निर्भव भजन से करते हैं। इसलिए पूरा गुरु सतगुरु ही हमें करना चाहिए। कच्चे गुरु से बात नहीं बनती। पूरे सतगुरु अपने परम वचनों द्वारा रूह को आंतरिक चढ़ाई का बल देते हैं। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी के परम वचन कि खुदिय जे अंदर डिस बे खुदिय जी मौज, खुदिय जे अंदर डिस बे खुदिय जी मौज। जब कमाई वाला पूरा सतगुरु मिला तो शिष्य रूहें अपने अंदर ही बेखुदी के अथाह का सुख मान पाती हैं। रूहें हरे माधव अचल सागर में डूब ही जाती हैं। ऐसा प्रेमी शिष्य हर किसी को बनना है जो न्याजवंद हो, खुद को भूल जाता है।
हमें भी प्रेमा भक्ति का घाव लगे, अपने मैंपन को पूरा खो दे, मिटा दे, सदा नीवा होकर सतगुरु श्री चरणों में पुकार प्रार्थना करते रहे। हरि राया सतगुरु के वचनों को अमल में लाए। संगतो, हरि राया सतगुरु पार ब्रह्म की तरह मौन चुप अडोल है। वह पार ब्रह्मी है जो मुख से बोलता और अपने अनुभवी संदेश गहबी वाणी वचनों के द्वारा देता है। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी अनमोल वचन फरमाते कि यह जगत के लोगों, सतगुरु पार ब्रह्म की तरह हर एक कुदरत रंग को बनाता है। उसकी कुदरत अमृत से भरी होती है। जिस तरह पार ब्रह्म मन माया के जालों में शिष्य को बिठा देता है, सतगुरु ऐसा पार ब्रह्म है जो शिष्यों को मन माया के जालों से निकाल लेता है। ऐसे सतगुरु की मौज अपनी, खुमार अपना है। सच्चे पातशाह जी सुखकारी, मंगलकारी, परम रोशनी वाले माधव हरि राया के अंशी रूहों को वचन बल बख्श रहे हैं कि सच्चे सतगुरु की शरण कसकर पकड़ो। सच्चा सतगुरु अपनी परम खुमारी, अलस्ती खुमारी में भरपूर रहता है, पर जीव उनकी पहचान ही नहीं कर पाता। इस दुनी जहां में दंभी कच्चे गुरुजनों की भारी संख्या है और जीव भटक भटक कर भ्रम अज्ञान से यह मान बैठते हैं कि दुनिया जहान में सच्चा गुरु है ही नहीं। कई साधक शिष्य इस राह से हार कर अपनी दिशा बदल देते हैं और मान बैठते हैं कि सच्चा गुरु अब है ही नहीं। ए प्यारो, इस परमार्थी राह पर अंधले गुरु से, कच्चे गुरु से अंदर का अज्ञान नहीं हटेगा। घट में करतार प्रकट नहीं होगा। अंधे गुरु पर मन माया के जहर का नशा चढ़ा रहता है। अब पता कैसे आप लगाओगे कि पूरा गुरु सतगुरु कौन है? समझाते हैं, अगर शिष्य की आत्म में लिव प्रीत लगन है तो वह पार ब्रह्म प्रभु फिर ऐसी रूहों को पूरे सतगुरु से मिला लेता है। पूरा सतगुरु भारी भजन सिमरन का भंडारी है, जो अकह प्रभु के हुकुम से धरा पर आकर तमाम जनमानस पर अपार रहमत कर उस ऊंचे एको हुकुम नामे का बल प्रदान कर जीवों को कुले हकीकत में मिलाते हैं। जो जीव पूर्ण सतगुरु की शरण में अमृत नाम पाकर साधना कर सेवा में निष्काम भाव में रह मालिक के भाणे को सत सत कर बंदगी में जुट जाते हैं, फिर वे उसी एको कुले हकीकत में मिल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो सेवक सह बह संकोची, निज हित चहे तास मत पोची, सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बेहाई, उत्तर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई, अब कृपाल मोह सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जायन पावा। पूरी सदगुरु की राह में हरेक सेवक को किस तरह रहना है, इस विषय में संत जी फरमा रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा चाह नरक, निस्वार्थ प्रेम भाव से सेवक सेवा करे, यह परमार्थ रूहानियत का मूल है। सच्ची सेवा तो अपने प्यारे गुरुदेव की आज्ञा पालन करके ही होती है। वी गेट द प्रीशियस अपॉर्चुनिटी ऑफ द ट्रू मास्टर्स सर्विस बाय द मर्सी एंड ग्रेस ऑफ हरि माधव लॉर्ड। ही बैलेंसेस अवर कर्मास बाय मेकिंग अ सर्व फिजिकली एंड ब्लेसेस अवर माइंड एंड सोल विद द सेवा एंड मेडिटेटिंग द होली वर्ड नाम एंड मर्जेस विद इन हिमसेल्फ। सूर्य का सेवन पीठ से, आग का सेवन सामने से करने में अत्यंत हित होता है। सच्चे सेवक को अपने स्वामी की आज्ञा का सेवन
शल कपट एवं उल्टी निगाह को त्याग कर सेवा में रतना चाहिए और इसी में उसकी भलाई है। सेवक सेवा में रत कर सुख दुख लाभ हानि यश अपयश निंदा की चिंता ना कर सेवा में रंगकर टिका रहता है। यह याद रखना, जो सेवक अपने सतगुरु मालिक को संकोच में डालकर खुद का भला लाभ या हित चाहता है, उसे संत तुलसीदास जी ने नीच बुद्धि वाला कहा और आगे समझाया, जो अपने प्यारे मालिक की आज्ञा सुन उत्तर दे एवं अपनी तुच्छ मलिन कुरूप अक्ल से कोई दूसरी बात कहे तो ऐसे सेवक को देख लज्जा भी लज्जा जाती है। प्यारा गुरुदेव अपनी मौज खुशी से जो हुक्म दे आज्ञा दे उसे सिर माथे रख पालन करना चाहिए। इसी में हमारा हित कल्याण है। उत्तर दे सुन स्वामी रजाई सो सेवक लख लाज लजाई सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ बेहाई। गुरुवाणी में भी हिदायत दी गई, सेवा थोड़ी मांगन बहुता। सेवा कर आप सतगुरु प्रभु पर कोई मेहरबानी नहीं करते, सेवा आपके औखे कर्म काट कर ऊंचा फल देती है। कण की सेवा का फल मन मिलता है, यही इस राह में खुली किताब है। सच्ची निष्काम शरण का आधार प्रेमी है और प्रेम के नशे में डूब कर ही सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम में खुद को खो देता है। इस राह में सच्चे सेवक की एकमात्र इच्छा प्यारे सदगुरु को प्रसन्न करने की होती है और वह उनकी रजा भाने में रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात किस राह में चतुराई शल छिद्र कपट और काग वाली दृष्टि से उसे पाया नहीं जा सकता, क्योंकि सेवक स्वामी एक मत जो मत में मत मिल जाए चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाए। सतगुरु साईं नारायण शाह साहब जी भी प्यारे वचनों से सेवा आज्ञा का हमें बल दे सच्ची सेवा का भेद दे रहे हैं। सेवा करो सेवक बनके स्वामी बनके नाही भक्ति करो भगत बनके ठगत बनके नाही। कहे नारायण शाह सुनो जगवालो जो माने यह ज्ञाना सो दरगह परवाना जो माने यह ज्ञाना सो दरगह परवाना। जब जब प्रभु मुल्क से पधारे पूरे सतगुरु भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु सेवा सत्संग सिमरन ध्यान वह अथाह प्रेम का भंडार खोलकर जीवों को चिताते हैं, तब मनमुख निंदक बैरी कपटी या कच्चे भगत जी भरकर मैल कपट का काम करते, क्योंकि काल शैतान उन सब का मालिक होता है। आदि काल से यह होका जिक्र आता है। मोहम्मद साहब जी श्री गुरु नानक देव साहब जी श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महावीर स्वामी जी ईसा मसीह जी अनहल रूप सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी एवं सदा ही ऐसे पूर्ण दयालुओं ने जब वक्त पर अपना भेद जाहिर किया, तब ऐसे मनमुखों की जमातें भी बड़ी। गुरुवाणी में भी वचन आया, संता नाल वैर कमावंदे दुष्टा नाल मोह प्यार मुह काले तिना निंदका नरके घोर पवन। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी के पावन सत्संग दीवान में एक बंदा जो सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के वक्त का था अक्सर आता रहता। वह निमाणा दीन होकर कुल परिवार के साथ श्री चरणों में अमृत नाम दान साध संगतों की सेवा का गुलाल मांगने सच्ची सुमति श्री चरणों का अटूट प्रेम पाने आता। हर बार यह विनती फरियाद करता रहता, हे सच्चे पातशाह जी मेरे अवगुण बहुत भारी हैं, मैं बड़ा अवगुणधारी नमक खुआरी हूँ। एक दिन हाजरा हजूर साहबान जी ने उस बंदे को परिवार सहित बुलाकर कहा, प्यारे
बहुत समय से आ रहे हो, भारी दुख है। वह बंदा न्याजवंद हो हथ जोड़ विनती करने लगा, बाबा जी आप जी तो सब घट पट के जाननहार हैं, मुझे बड़ी ग्लानी होती है कि मैं किस मुख से विनती करूं। सच्चे पातशाह जी, मैं सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के श्री चरणों की सेवा में कई साल रहा, सेवा नित नियम से करता, साहब जी की दया प्यार दुलार मेरे ऊपर बड़ा बना रहता, लेकिन सेवा करते करते मेरे अंदर अहंकार आता गया, अभाव और निंदा का रंग भी चढ़ गया, क्योंकि मैंने बाहर जाकर मनमुखों व निंदकों की संगति कर ली थी, जिससे मुझ में गुरु साहिबानों के लिए वैर निंदा का भाव चढ़ गया, उलट विचारों ने मेरे मन को मलिन कर दिया और विरोध आवरण का पर्दा चढ़ गया। उनकी ऐसी आंख पाकर मैं भी उन्हीं आंख से सब कुछ देखता, क्योंकि मैं काग हो चुका था हंस से। बाबा जी, सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने कई बार प्यार दुलार फटकार से बहुत बार समझाया कि मेरे ऊपर काल का रंग चढ़ रहा है, मेरी आंखें मेरी चेतना काल के हवाले हो रही है, और चिताया कि मैं अहंकार शंकाओं मलिनताओं को धो लूं, लेकिन मैं मूड उलट बातें करने लगा। तब साहेबान जी ने फटकार कर कहा, निकल जाओ शरण से, आज्ञा में नहीं चल रहे हो। मैं मद फिरा यही सोचने लगा कि मैं इतने साल सतगुरु शरण में रहा, अब लोग बाहर मुझे कुछ तो सच्चा मानते, समाज नगर में मैं गुरु साहेबानों गुरु घर के लिए बड़े कुलीन मलिन निंदा के बोल कहता रहता, मेरा यह नियम रोज चलता रहता, और मैंने ऐसे नाते रिश्तेदार मित्र भी इकट्ठे कर लिए थे जो मेरे साथ मिलकर निंदा करते। सतगुरु साईं नारायण शाह साहब जी फिर भी दया कर सेवादारों के हाथों कढ़ा प्रसाद रोटी हमारे पास भेजते और सेवक द्वारा यह भी वचन कहलवाते कि सतगुरु के वचनों रमजों मेहर को समझो, संभल कर चलो, करड़ा हिसाब देना होगा। पर हम मनमुख लोग प्रसाद लेकर हमेशा मदरा पी लेते, दयालु बाबा जी बार बार मेहर करते, साफ निर्मल होकर शरण में रहने को कहते, लेकिन हम पर अहंकार निंदा कुबुद्धि का रंग भारी चढ़ चुका था। जब वर्षी पर्व होता, गुरु साहिबानों की मौज संगतों पर बरसती, तब हम मनमुख निंदक सब मिलकर जी भरकर निंदा करते, बाहर से पत्थर फेंकते। मेरा एक ज्ञानी मित्र जो हमारी तरह ही उलट रंग वाला था, हमारे साथ अक्सर जुड़ा रहता, वह पंजाब के रहने वाले संतों का सेवक था, लेकिन काल का मुरीद बन गया था। जब वह अपने गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा, मेरा सिमरन नहीं हो रहा है, पहले होता था, अब मेरा कुल कुटुंबी दुखमय बना है, तो उन संत जी ने देखकर कहा, जिन पूर्ण संतों के बैरी निंदक कृतघ्न होकर तुम लोग खेल रचते हो, उससे तुम्हारे सिमरन भजन का पूरा प्रताप तो उड़ गया है और कुल के कर्म भी भारी हो गए हैं, वे हमसे भी बड़ी कमाई वाले पूर्ण सदगुरु हैं, एवं उनके भी पूर्ण सदगुरु बाबा माधव शाह साहब जी बड़े मौज राज के स्वांग रचते हैं, उनकी जोत अब सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के रूप में भेद दे रहे हैं, उनकी मौज को समझना कठिन है, उनकी शरण में नीवा होकर जाओ और अपने गुनाह बख्शाओ, वे जैसा कहें वही करो। मेरा वह मित्र आज्ञानुसार सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी की शरण में आया और अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने गुनाहों की तौबा की। जब दयावान सतगुरु जी ने उसे बख्श कर शरण में रखा,
तो उसका सिमरन ध्यान भी रचने लगा। खोटे कर्मा ने विछोड़िया तेरी चरणा तो कृपा करके मेलो बाबा जी, असी कृत कर्म दे बिछड़े कृपा करके मेलो राम। संगतो ऐ मुरीद पूरे सतगुरु चरणों में अनंत अथाह की दौलत भरी है और वे तुम्हें अपने भंडार से भरपूर करना चाहते हैं, लेकिन तुम अपनी मनमति के कारण उनकी मौज को नहीं जान पाते, इसलिए खाली रह जाते हो। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावही चूक चाकरी माही। द्वार धनी में पड़ा रहे धका धनी का खाए, कबहू धनी निवाज ही जो दर छोड़ न जाए। सच्चे प्रेमी तो पूरे गुरुदेव की चरण संगत में पड़े रहते हैं। मुर्शिद चाहे कितनी भी रूहानी ताड़ फटकार दे, फिर भी वे टिके रहते हैं। सतगुरु जी सच्चे आत्मिक नाम के धनी हैं। वे आज नहीं तो कल हमारी गुनाहों को बख्श हमें शरण में रख लेंगे। वह बंदा आगे कहने लगा, बाबा जी गुरु साहिबानों की अपार दया करुणा को देखकर भी मैं न चेता और मनमुखों का संग लिए हुए मदख्वारी बना रहा। मेरा एक मित्र जो गुरु चरणों का प्रेमी भगत था, वह भी हर बार समझाता कि भाई शहंशाहों की मौज को मजाक मत समझो, तुम अपनी उलट मती के कारण महर को कहर बना रहे हो। वो बख्शंद है, अपनी गुनाह पक्षा लो। लेकिन हम मनमुख लोग उसे खूब बुरा भला कहते कि तुम्हें बाबा जी ने सिखा कर भेजा है। वह बंदा दुखी होकर सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी के पास गया और सारी बात बताई। तब बाबा जी ने ऐसे वचन खुदाई मौज में कहे, कदुरवारा घट थिया खुटा खरीदार, जेके लोह कुटन लोहार तिनके कहड़ो कदर सोन जो। आप जी सतगुरु बाबा माधव शाह साहेब जी के ऐसे वचन भी कहते कि बाबा ढोंगी दूना नावे माथा, ढोंगी दूना नावे माथा। बेटा ये सब ऊपर ऊपर से जुड़े हैं, अंदर से न कोई तार जुड़ी है न कोई सोच विचार सही है, और यह हमें घर का पीर चुल का मार्ग समझ रहे हैं। यहाँ के लोग हमारी मेहर रहमत को कम समझ पाए हैं, बाहर के लोग मौज मेहर बरकत पाके जाएंगे। यह वचन जब वहां बैठे एक बुजुर्ग बंदे ने सुने तो उन्होंने विनती की, हे साहेब जी ऐसे वचन तो ना कहें, बख्शे बाबा जी बख्शे, हम भव सागर में डूब रहे बंदों पर आप ही मेहर का हाथ रखें। आप जी ने शांत स्वर में कहा, प्यारो अभी कर्मगत बहुत भारी है, आप सभी अभी कर्मगत का सौदा दे रहे हैं, लेकिन आज हम जो गुप्त राजदारी में जो वचन कह रहे हैं वह मौज की बादशाहत आगे खुलेगी। आगे चलकर भक्ति ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अमृत नाम के सारे भेद खुलेंगे, उस वक्त नगर के लोगों को भी लाभ मिलेगा और जो कोई नीवा न्याजवंद होके शरण में अहम को त्याग कर आएगा वह शरण में टिकेगा। जो बंदे नाम सेवा में जुट जाएंगे वह प्रभु दरगाह में परवान होंगे। जब हम देह छोड़ेंगे तब हमारे असल उपदेश अलूप होंगे। कच्चे मनमुख निंदकों की जमातें बढ़ेंगी, लेकिन यह हमारा कौल है कि यह सब कुछ समय तक रहेगा। कच्चे भगत थूथे ज्ञानी खूब भ्रमगढ़ की कथनी बातें कथेंगे, किंतु सच कायम थींदो बाबा, सच कायम थींदो 20-25 सालों के बाद सच का सौदा खुल कर आएगा, तब यह गुप्त राजदारी वाले वचन स्वयं तुम भी चरितार्थ होते देखोगे। पर जो उस वक्त भी कुराही वैरी निंदक बनेंगे तो उनका दीन ईमान दोनों जाएंगे। जो कोई निंदह साधु को
संकट आवे सोई, नरक माह जन मैं मरे मुक्ति न कभू होई। सतगुरु शब्द उलंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तहां काल है कहे कबीर समझाए। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने फरमाया, जिसने हमारे वचनों में प्रेम नहीं बिठाया वे उस समय आनंदित और खुशहाल होंगे। उनकी रूह इस कदर खुशहाल होगी जिस तरह भगत सिमरन ध्यान में भगवंत को पाता है। वह बंदा अश्रु धारा बहाए, हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी के पावन श्री चरणों में अपनी गुनाहों की माफी मांगे जा रहा और याचना कर रहा, हे गरीब नवाज, मैं आज सतगुरु पातशाहियों के वही वचन कौल चरितार्थ होते देख रहा हूं और वही अनूठा अमिट प्रसाद चहु वर्णों सभी जीवों को मिल रहा है। मेरी करणी का मुझे करणा हिसाब मिला। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी अक्सर कहते थे, गुरु से कपट मित्र से चोरी निर्धनिया कोढ़ी, एवं गुरु जा द्रोही अंधा शो न थींदा, धूड़ वरी तिनजा धंधा शो न थींदा। हे करुणा निधान, मुझे अपने धन वैभव पर बहुत गुमान था, जब से मैंने शरण छोड़ी सब खत्म हो गया। मेरा जीवन मेरा कुल कुटुंब ऐसा हो गया जैसे बंजर भूमि में कभी हरियाली हो ही नहीं सकती। मेरे कुल में कई सदस्यों को कोढ़ की बीमारी लग गई। हमें न घर में चैन था न अंतर में खुशी, हमारा जीवन अत्यंत दुखमय हो गया। हे बख्शनहार बाबा जी हमें बख्शे, बख्शो मेरे सतगुरु बाबा जी बख्शो, हम भूले गवार जीवों पर दया मेहर करें बाबा जी दया मेहर करें। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी ने उस भूले बंदे से ये वचन कहे, प्यारे जिस तरह पिता अपने सारे बच्चों पर समान नजर रखता है, उसी तरह पूर्ण संत सतगुरु सभी पर संभाव प्रेम प्यार से निगाह रखते हैं। पूरा सतगुरु मुरीद यानी शिष्य के बुरे गंदले कर्मों की आदतों को छुड़ाने का एकमात्र लक्ष्य रखता है, जिससे आत्मा के अंदर सोया प्रकाश चमक पड़े। पूरा सतगुरु तो हमारे रहन सहन स्थिति परिस्थिति को देख हमें सही राह बताते हैं। वे हमारी मनमती गलतियों को पहले प्रेम प्यार से समझाते हैं, इस राह पर चलने का मार्ग बताते हैं। जब वह तरीका असफल होता है तो पूरा गुरु कुछ सख्ती से कड़ाई से डांट फटकार से हमें संवारना चाहता है। जब इससे भी काम नहीं बनता तो और सख्ती कायदे से हमें गंदले मार्ग से उठाने का खेल रचते हैं। जैसे धोबी केवल कपड़े की मैल को ही देखता है, उसकी निगाह केवल कपड़े पर टिकी रहती है, उसी प्रकार पूरा सतगुरु शिष्य के अवगुणों को मैल की भांति देखता है। धोबी कपड़े की मैल को चाहे साबुन लगा मुलायम हाथों से साफ करे या पत्थर के टुकड़े पर पीट कर, उसी प्रकार सतगुरु भी शिष्य को सुधारता है, चाहे प्रेम से या सख्ती करके। उनका उद्देश्य एक ही रहता है, शिष्य के मन को पवित्र निर्मल करना। सतगुरु उस समय तक चैन से नहीं रहता जब तक आत्मा को हरि माधव निर्वाणी मुल्क तक नहीं पहुंचा देता। अगर शिष्य सतगुरु को छोड़ दे या विरुद्ध हो जाए, निंदा करे या उनको तकलीफ देने की इच्छा रखता हो, फिर भी पूर्ण सतगुरु उसकी संभाल करता है और उसे निर्मल पवित्र करना चाहता है। वे शिष्य से उसी तरह प्रेम करते हुए उसे उत्तम सांचे में ढालने की चाह रखते हैं, जैसे कि कुम्हार कांचे भांडे यूं रहे ज्यों कुम्हार को नेह,
भीतर सूं रक्षा करे बाहर चोटे देह, सेवक सेवा में रहे अनत कहूं नहीं जाए, दुख सुख सिर ऊपर सह कह कबीर समझाए। वह बंदा जार जार रोते हुए अपनी गुनाहों की माफी मांगने लगा और पुकार कर उठा, सच्चे पातशाह जे मैं तेरे चरणों में हूँ तो दया तुम्हारी है, जे मैं तुझसे दूर हूँ तो रजा तुम्हारी है। हे मेरे मालिका जैसा भी हूँ भला बुरा तेरा ही हूँ, जे मैं सेवा से जुड़ा रहूँ तो प्रेम प्रीत मेरी तुम्हारी है, प्रेम प्रीत मेरी तुम्हारी है। हाजरा हुजूर मेहरबान सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी ने उनका दासा याचक भाव देख सभी को अमृत नाम की दात बख्श कर सेवा बख्शी एवं कुल कुटुंब को दया मेहर कर पावन चरण कमलों की छांव बख्शी। हुजूर सतगुरु जी के एक अनन्य बुजुर्ग सेवक ने कहा कि मैं कई सेवकों रिश्तेदारों के संग बैठ यही महिमा कहता हूँ कि देखो शहनशाह सतगुरु बाबा माधव शाह साहेब जी, शहनशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी ने गहबी राज अनेक लीलाओं के द्वारा जीवों को देने चाहे, लेकिन उस वक्त हम जीव मन माया के सैलाब में बहते रहते, हमें कहाँ पता था। आज हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी भजन सिमरन के भारी प्रताप से उन रूपों को धारण कर सारे भेद बारीक से बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म वचन स्वयं खोल कर प्रकट कर रहे हैं, वर्ण हम जीव तो सुत्ते के सुत्ते ही पड़े रहते। आज जब हम हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी के चरण कमलों में बैठते हैं तो हमारी आंखों से पानी बह उठता है, रोम रोम में नशा सा भर जाता है, बस यही भाव उमड़ते हैं अब चरण कमलों को पकड़ेंगे कसके और अपने सिर को उनके चरण कमलों पर धरकर मन की सारी वेदना आंसुओं से कह देंगे, बस यही भाव रहता है कि निभजी अचे पछाड़ियताई, निभजी अचे पछाड़ियताई, यानी मेरे अंत काल तक तेरा आसरा तेरी शरण कभी न छूटे। हम जीव मन माया में घिरे हैं, हमारी बुद्धि हमारा चित्त हमारे विचार मोह माया के दलदल में फंसे रहते हैं, फिर हम हरि राया सतगुरु की पहचान कर ही कहां सकेंगे, इसलिए वे स्वयं अपनी खबर पहचान देते हैं, परख देते हैं और शिष्यों को आंख खोलने के लिए भी चिताते हैं, दिल में प्यार बंदगी बिठाने को कहते हैं, सेवा साध संगत नाम सिमरन ध्यान से जुड़ने को कहते हैं। सो प्यारो पूरा सतगुरु मेहरबान ढकपाल सदा दयालु कृपालु है, लेकिन पात्र हमें बनना है, सुपात्र हमें बनना है और यही फरियाद करनी है, हे मेरे प्रभु पुरुष साहेब हम पर दया मेहर करें, हमें पावन संगति की ओट बख्शें और काग बगुलों की संगति से हमें बचा लें। आज के सत्संग के परम प्यारे वचन हमें अंदरूनी रोशनी से जुड़ने की ओर इशारा प्यारे मालिका जी वचन मेहर के बख्श रहे हैं, पूरे गुरु सतगुरु की ओट में रह सतगुरु नाम का सिमरन निश्चिन करें, गुरु शरण सत्संगत में नित नियम रखें और सेवा की महत्ता महानता में घुल मिल जाएं। प्यारे सतगुरु के परम प्यारे वचनों के अंदर सुमति का भंडार छिपा है, मन वचन कर्म से प्रेमी भंवरे बनने की ओर अपना रुख करें। पूरे गुरु की दास ईश्वर धूलि मांगे, पूरे
पूरा गुरु ही अनहद सुनाया वह हरे माधव आपे आप अनामा पूरा गुरु आत्म रूप जगाया। हे मेरे मालिक हरे माधव दाता, मैंने इस पूरे जगत में रिश्ते नातों में वस्तु पदार्थों में मोह रख के देख लिया, परंतु कहीं सुख नहीं मिला। सच्चा सहारा तो कहीं भी नहीं मिला। पर जब आपकी शरण में आया तब जाना आप ही हमारे मीत हैं। केवल आपका सहारा ही सच्चा सहारा है। अब मुझे केवल इसी की आस है। अब मुझे केवल इसी की आस है। कमल भरोसा तेरा चरण कमल भरोसा तेरा चरण कमल भरोसा तेरा चरण कमल भरोसा तेरा इन चरणन में लागे जियरा इन चरणन में लागे इन चरणन में लागे जियरा इन चरणन में लागे चरण कमल भरोसा तेरा चरण कमल भरोसा तेरा चरणा में माधव पायो इन चरणन से अमृत पायो इन चरणा में माधव पायो इन चरणन से अमृत पायो चरण कमल का भौरा मैं चरण कमल का भौरा सतगुरु चरण का भौरा सतगुरु चरण का भौरा चरण कमल भरोसा तेरा चरण कमल भरोसा तेरा चरण कमल भरोसा तेरा चरण कमल भरोसा तेरा चरण कमल का बंदा हूँ मैं चरण कमल का बंदा हूँ मैं
मैं चरण कमल का बंदा हूँ, सेवक मैं मन का मंदा हूँ। चरण कमल गंगा स्यों निर्मल मेरे घट में आए बसे जी। चरण कमल गंगा स्यों निर्मल मेरे घट में आए बसे जी। चरण कमल भरोसा तेरा, चरण कमल भरोसा तेरा, चरण कमल भरोसा तेरा, चरण कमल भरोसा तेरा। ईश्वर हरि जी मांगे सतगुरु चरण होय बसेरा। दास ईश्वर हरि जी मांगे सतगुरु चरण होय बसेरा। मेरे घट में भ्रम भागे ओ हरे माधव चरण बसे जी। मेरे घट में भ्रम भागे ओ हरे माधव चरण बसे जी। चरण कमल भरोसा तेरा, चरण कमल भरोसा तेरा, चरण कमल भरोसा तेरा, चरण कमल भरोसा तेरा। इन चरणन में लागे जियरा, इन चरणन में लागे, इन चरणन में लागे जियरा, इन चरणन में लागे। चरण कमल भरोसा तेरा, 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 चरण कमल भरोसा तेरा। वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से, हरे माधव हरे माधव, हरे माधव 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 हरे हरे, हरे माधव हरे माधव। हरे नारायण 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 नारायण।
मनवर हरे मनवर 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 हरे 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 माधव हरे नारायण गोविंद मनोहर हरे 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 माधव हरे नारायण गोविंद मनोहर हरे 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 माधव।